राज्य में मिशन बिगेन अगेन और अनलॉक शुरू हुआ है, लेकिन आम जनता को लोकल सेवा से वंचित रखा गया है। इसीलिए कल्याण डोंबिवली के नौकर वर्ग को सड़क मार्ग से ठाणे मुंबई तक जाना पड़ता है, अर्थात शिलफाटा मार्ग से। लेकिन ट्रैफिक जाम और गड्ढों के कारण कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं। इसके समाधान के रूप में डोंबिवली के लोगों ने अब जल मार्ग का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि डोंबिवली पश्चिम में मोठा गाँव रेती बंदर मनकोली के पास पहले के लिए नौका सेवा पिछले कई वर्षों से चल रही है। अब इस नाव से नौकर वर्ग ठाणे की यात्रा करते हैं। मोठा गांव से पहले की यात्रा में केवल 5 मिनट लगते हैं। वहां से रिक्शा द्वारा मानकोली तक 10 मिनट और मानकोली से ठाणे तक रिक्शा द्वारा 15 मिनट लगते हैं। इस नाव पर यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि सड़क यात्रा की तुलना में नौका यात्रा आसान है। इसीलिए वर्तमान में सुबह और शाम इस नाव के 50 चक्कर लगते हैं। नाव का टिकट केवल 10 रुपए है, इसीलिए यात्री राजमार्ग की तुलना में इस जलमार्ग के लिए ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। नाव के यात्रियों का कहना है कि यह सुविधाजनक है, लेकिन लोकल सेवा शुरू हो गई तो वह भी उससे भी ज्यादा उनके लिए सुविधाजनक होगी। भयंकर ट्रैफिक असतो आणि लोकांना त्यामुळे एक प्रॉब्लेम होतो, त्यामुळे आता होडीचा प्रवास करणे चांगलं वाटतं लोकांना आणि तो अधिक वाढला पाहिजे। आपल्या होडीने जातात कारण की त्यांना आता होडीचा प्रवास सोयीस्कर वाटत असेल आणि म्हणून ते जातात कामगार, कारण की ट्रेनचा प्रवास गर्दी असते ट्रेनला, त्यामुळे ट्रेननी जाणं त्यांना सोयीस्कर वाटत नाही। कोरोना आहे, सगळ्यांना ट्रॅफिक पण आहे, आता हा सोयीस्कर मार्ग आहे, त्यामुळे काही लोकांना टेन्शन येत नाही। जवळ पडतं ठाणा वगैरे, त्यामुळे ट्रॅफिकचा कोणाला त्रास होत नाही, त्यामुळे सगळ्यांना बरं वाटतं। जरा जवळ लवकर जाऊन लवकर होईल। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।